आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आवेदनों को समाप्त कर वनभूमि पर हो रहे अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षण भू माफिया नक्सलाइट से संरक्षण परिवार को प्रदान किया जाए। वन कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5,000 रुपए भत्ता प्रदान किया जाए। वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे? वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे? अरे जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आवाज दो, आवाज दो, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमार कर रही है। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो। आवाज दो, आवाज दो, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। क्या मांग को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे कलेक्ट्रेट में? मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल लगातार कई वर्षों से अपने वेतनमान और सुविधाओं के संबंध में आंदोलन कर रहा है। सरकार ने कई बार लिखित समझौते किए, तब से दोपहर कड़गड़ा चिटन और घनघोर वर्षा में समाज के अंतिम बिंदु पर रहकर वन कर्मचारी अपनी सेवा दे रहा है, विश्व की बायोडाइवर्सिटी को बचा रहा है। लेकिन ये सरकार जो है राजस्व पुलिस के मुकाबले वन विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह कम दे रही है। IPS IFS और IPS IAS और IFS की तनख्वाह बढ़ा हुआ है। स्टेट लेवल पर SDM SDOP और SDO फॉरेस्ट की तनख्वाह बराबर है। इसी प्रकार निचले तबका जो हमारा फॉरेस्ट का जंगल में काम करता है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसकी तनख्वाह पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है, जबकि सर्वाधिक जंगल भारतवर्ष में पाए जाते हैं और सर्वाधिक जंगल की सुरक्षा भी मध्य प्रदेश का वन विभाग का कर्मचारी करता है। सरकार सिर्फ अपना टेक लगा के घूम रही है कि टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट क्या अधिकारियों के दम पे जो बाहर से आए हुए हैं उनका क्या महत्व है? जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो ग्रीन सोल्जर्स हैं, उनकी सुविधाओं और उनके सम्मानजनक वेतनमान नहीं है। इस संबंध में इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में वन कर्मचारी संघ है और उसके लिए हम आंदोलन खड़े। चार चरण में हमारा आंदोलन है। ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण में सांसद और विधायक को हम ज्ञापन देंगे, तृतीय चरण में भोपाल में रैली है। 1 से 5 जनवरी तक हम 1 से 5 मई तक हम अपने समस्त शस्त्र वगैरह और जो भी सामान हमारे पास है बस्ता जमा कर देंगे। 6 मई से जंगल की सुरक्षा का दायित्व सरकार का होगा, क्योंकि हमारा वेतन मान सम्मानजनक नहीं है। आपका नाम? मैं निर्मल कुमार तिवारी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कमीशन भोपाल।